हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्फा फैक्टर में। दोस्तों, आज हम एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जिसने ब्राज़ील में सनसनी फैला दी है, जहां एक प्रीस्ट कुछ लोगों को संबोधित कर रहा था और उसने यह स्टेटमेंट दिया कि मोटी औरत जो है वो स्वर्ग जाने की अधिकारी नहीं है। दूसरों शब्दों में बोले तो जो भी मोटी महिलाएं हैं वो स्वर्ग नहीं जा सकती। प्रतिक्रिया स्वरूप एक औरत जो काफ़ी देर से उनको सुन रही थी, उसने स्टेज पर से प्रिस्ट को बाहर खींच लिया। उसके बाद उसने उनके साथ क्या सलूक किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है दोस्तों। लेकिन उनका जो प्रिस्ट का जो बयान है वो काफ़ी हास्यास्पद है, क्योंकि एक बच्चा भी हो उसे स्पिरिचुअल मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है स्वर्ग नर्क अथवा मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। जो भी फिजिकल बॉडी है हमारा वो यही रह जाता है, और हमारे कर्मों का जो फल है वो हमारी आत्मा भुगतती है। इसका मतलब है अगर इस शरीर में किसी ने अच्छा कर्म किया हो तो ही वो स्वर्ग जा सकता है, और अगर बहुत अच्छा कर्म किया और परमात्मा ऐसा सोचते हैं कि उस जीव को मुक्ति का अधिकारी है तो वो उसे मुक्त भी कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, अगर कोई किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो वो नर्क जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो उसके भौतिक शरीर के साथ नहीं होगा, क्योंकि भौतिक शरीर यही छूट जाता है। इसलिए जो प्रीस्ट है उनकी बुद्धि बचकानी है, किसी भी एंगल से वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं कहे जा सकते। लेकिन उनके बयान का एक दूसरा पहलू और भी हो सकता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों। चूँकि वो एक प्रीस्ट हैं और वो बोल रहे हैं कि मोटी औरत जो है वो स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं है, मे बी वो मोटी औरतों में जो ओबेस विमेन है उनमें एक जागरूकता पैदा करना चाहते हों कि अगर फ्यूचर में वो किसी टर्मिनल इलनेस के शिकार नहीं होना चाहती हैं तो कृपया अपना वेट घटाएं। अगर इस एंगल से हम इस न्यूज़ को अलराइज करते हैं तो प्रीस्ट जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो इस न्यूज़ को कैसे ले।